जय हिंद दोस्तों, ये सिंह सहगल डेयरी है कपूरथला पंजाब में। दलवीर जी हैं जो इसका संचालन करते हैं। HF गाय दिखा रहे हैं, ये तो पूछते हैं इनसे कि कहाँ के लिए हैं, कौन है किसान जो लेने के लिए आए हैं, तो क्या हिसाब किताब। स्वागत है आपका। स्वागत है अंकल जी। पहले तो कोरोना से फिर डरना पड़ेगा, मास्क लगाना पड़ेगा। ठीक है जी, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। गाय दिखा रहे हो? हाँ जी। कहाँ के लिए हैं? ये श्रीनगर जा रही हैं जी। श्रीनगर? हाँ जी। आए हुए हैं सब? आए हुए हैं। बात होगी सबसे? हाँ जी। बुलाइए ना। आओ, फोन बंद कर। क्या नाम है आपका? रूफ अहमद। रूफ अहमद जी, पहली बार आए हैं जी? हम यहाँ पहली बार आए हैं। कितने पशु रखते हो? अभी हमने स्टार्ट ही किया है। कितने ले जा रहे हो? हम यहाँ 7 पशु ले जा रहे हैं। 7 ले जा रहे? कितने के? हमने ये 7 पशु 3,63,500 में लिए। 3,63,000? अलग अलग भाव है, एक ही लॉट कर दिया? नहीं अंकल, 4 गायें 2 लाख की ली हैं जी, एक बछड़ी। अलग अलग? हाँ, अलग अलग। तो भाड़ा कितना लगा? भाड़ा यहाँ से अभी 35,000। 10,000 पुलिस खर्चा है? 10,000 थोड़ा वो। 10,000 पुलिस खर्चा? हाँ जी जी जी। ये तो बड़ा खतरनाक काम है। असल में हमारे पास सारा कुछ फॉर्म। तो वहाँ मिलकर के आवाज़ नहीं उठाते हैं जो पुलिस वाले पैसे लेते हैं? वो एंट्री बनी हुई है अंकल, वो एंट्री बनी हुई है, वो सिस्टम अपना है। वरना हमारे पास परमिशन भी है, परमिशन बनाने में भी थोड़ा टाइम लगता है। वहाँ डीसी? क्या परेशानी आती है परमिशन बनाने में? वो थोड़ा वहाँ डीसी साहब से पहले मिलना पड़ता है, उसके पास अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। वो बड़ी खज्जल खराब होती है वहाँ पर, बिजी शेड्यूल होता है उनका, तो फिर हमें परमिशन मिलती है। इनके लोन वाली अंकल का ये, तो फिर यहाँ लखनपुर में वो परमिशन दिखाना पड़ता है, तो तभी आगे हम प्रोसेस कर सकते हैं। तो कितना लोन लिया आपने? हमने वहाँ 4.5 लाख रुपए का लोन लिया था। देखो कितनी बड़ी त्रासदी है कि सरकार तो कर्ज दे रही है जी जी, लोन दे रही है जी जी, काम करने के लिए जी, और प्रशासन अड़चने डालता है। प्रशासन अड़चने डालता है सर? इसका मतलब सरकार की कमजोरी है जो प्रशासन पर निकाल नहीं डाल रही है। बेशक सर, बेशक सर, तो वो बात है। तो ये जो गाय दिखा रहे हो जी सर, तो ये क्या दाम की है? ये 50 सर, ये 50,000 के लिए। 4 दांत है मुँह से। दांत दिखाओ। दांत दिखा दे सर। जो इन्होंने बताया तो एक हफ्ता पड़ा है। एक हफ्ता तक पड़ा है। पहली बार? पहली बार। आपको अनुभव नहीं है? जी जी, अनुभव है थोड़ा बहुत जी। अच्छा, फर्स्ट इलेक्ट्रिक। कितना दूध दे देगी ये? ये तकरीबन 18-20 लीटर दे देगी जी जी। दे देगी 50,000 में? हाँ जी जी जी, 50,000। फर्स्ट में? फर्स्ट इलेक्ट्रिक। दांत? 4 दांत। 4 दांत? ये भी 4 दांत? हाँ जी। ऐसे तो नहीं कि 6 को भी 4 कर दो? देख लो इसके भी। दिखा दिखा दे दांत। तो ये पहले में है जी, फर्स्ट इलेक्ट्रिक। कितना देगी दूध ये सर? ये भी कोई 20-22 देगी। 20-22 जी। अभी 15 रोज कच्ची है अंकल जी। आपने क्या बोला? मैंने 20 कह कर दिया, 15 रोज कच्ची है। 20 की गारंटी होगी तुम्हारी? आराम से जी। जब मुकर जाओगे बाद नहीं? 5 फार्म है जी इनके भाई। अच्छा। हाँ जी। हम 5 फार्म? हम 5 दोस्त है। हाँ। अभी हमारा काम चल रहा है, उसमें से हम 2। कितना पढ़े हैं आप? मैं पोस्ट ग्रेजुएशन किया हूँ। कौन से स्टेट से? सर मैं हमारा कश्मीर यूनिवर्सिटी से किया है। कश्मीर यूनिवर्सिटी जी। सब्जेक्ट कौन सा था? सब्जेक्ट कॉमर्स था। कॉमर्स से किया जी जी। तो बहुत बढ़िया स्टेट जी जी। एक्चुअली सर, और भी लोग, और भी लड़के नई जनरेशन वाले आना चाहते हैं। हाँ। लेकिन थोड़ा यही है कि जो आपने पहले ही फरमाया मैंने कि वो जो गवर्नमेंट फॉर्मेलिटी है थोड़ा वो टफ पड़ रही है, तो वरना बहुत, क्योंकि इस आज के दौर में एजुकेटेड लोग आना चाहते हैं और एजुकेटेड लोग आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है जी। सरकार लाना चाहती है, वो आना चाहते हैं जी जी जी। हम भी शुभकामनाएं देना चाहते हैं जी, लेकिन वो जब प्रशासन की कारगुजारी के आगे हमारी शुभकामनाएं फीकी पड़ जाती। अभी मेरे 4 दोस्त और फ़ोन कर रहे थे कि इनसे बात कर लो। हाँ। तो थोड़ा हमारा भी, उनका भी मन है और उनका काम चल रहा है वहाँ डेयरी फार्म का। अच्छा। तो वो भी आना चाहते हैं, लेकिन मसला बनता है यही परमिशन वाला, थोड़ा दिक्कतें आती है उसमें हासिल करने की। तो वहाँ आपके यहाँ जो MP MLA वगैरह, उनसे नहीं बोलते हैं आप कि भाई कहो प्रशासन को? जी एक्चुअली हमारे यहाँ तो अभी कोई सरकार है ही नहीं, तो वहाँ कोई सुनने वाला भी नहीं होता। भाजपा वालों की खुशामद कर लो, शहर वाले उनकी चलती है जी जी। एक और चक्कर है ना, जो उधर से व्यापारी आते हैं उनका नंबर लग रहा है 2-2 महीने बाद परमिशन का। जो इनका माल है सब्सिडी का, लोन का हो गया, इसका तीसरे चौथे दिन नंबर लग जाता है जी। अच्छा, और किसी, ये क्या कारण है? और किसी कश्मीरी भाई ने अंकल जी माल लेना भी होगा ना, मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकता है,
मैं बता दूंगा कैसा पेपर बनाना है सारा। तुम अपने प्रचार कर रहे हो? नहीं, नहीं, मैं पेपर बताऊंगा कौन सा लगना है। लोग पैसे लोगे फिर उसके? कोई पैसा नहीं जी, लोग फंस भी रहे हैं ना उसमें जी। ये अब 48,500 में दिलाई है जी। तो ये कितना दाम है इसका? 48,500 साढ़े का क्या होता है? 48 में दिलवा दे। 48,500 का ही सौदा हुआ जी, सीधा ही करवाया मैंने। कौन सा है 50 बीच में क्या टांग मार दी? 1,000 रुपया लिया जी। 49 का हुआ, 500 छोड़ की। ये तो नहीं हो सकता कि 1,000 में तुम गाय दिलवा लो। चलो वो पहले वाली 50 की, दूसरी बार 48,500 की। ये 50 की। शक्ल छूटते दूध देने वाली लगती है ये। ब्रीड में जी अंकल, 7 ब्रीड में ली उन्होंने। कितना दूध देगी ये? 20 लीटर आराम से देगी। दे देगी आराम से, दे देगी। अभी 20 रोज पड़े। कौन सी ब्याज की है? दूसरे में है जी। दूसरे में या तीसरे में? दूसरे में। दूसरे दूसरे में 50 की। 50 की अडर क्वालिटी देख लो, शेप देख लो बछड़ी की। हाँ जी, अभी तुम बात कर रहे थे कि वो पैर में मोच आ जाती है। अंकल मोच नहीं, गाड़ी में थी बछड़ी। हाँ, वो पैर चाड़ने वक्त ना डाले में पैर आ जाता है। फिर इसको इंजेक्शन लगाया। बिना इंजेक्शन के नहीं काम करते? नहीं, दवाई भी लगा देते हैं। तो हर बात में इंजेक्शन लगा देते हैं सर, फिर अंदर से पेन खत्म हो जाती ना उसकी। तो इंजेक्शन के बेड इफेक्ट नहीं होते हैं? होते हैं जी, निमो। आप लोग भी वहाँ पे लगाते हैं ऐसे इंजेक्शन? सर जल्दी में नहीं लगाते हैं, पहले थोड़ा कोई देसी इलाज जैसे हो वो करते हैं, फौरन इंजेक्शन नहीं करते। अच्छा, तो फिर कोई देसी इलाज नहीं है इसका? देसी भी होता है जी। वो क्या होता है? वो अंकल जी जैसे सोजन के लिए होता है, फटकड़ी ले लो। हाँ। जैसे पैर आ गए ना डाले में। हाँ। अंदर जो होगा स्वेलिंग होगी थोड़ी थोड़ी, फटकड़ी खिल करके तवे पे लस्सी में डाल के दे दो इसको। अअच्छा, जो इंजेक्शन लगाते हैं वो कितने का? वो इंजेक्शन 300 कुछ रुपए का, 100 ml होता है। एक बार में लगता है? एक बार 20 ml लगाना है बस। बस हाँ जी, 100 ml होता है। हाँ जी, 5 दिन लग जाएगा। हाँ जी, 34 नंबर आ गई है। हाँ जी, तो ये उससे भी बढ़िया लग रही है देखने में। सारी पतली पतली क्यों नहीं, भारी वाली क्यों नहीं थी? नहीं, ब्रीड में अंकल भारी है जी, माल न लाया ना आज। अच्छा, हाँ जी। नहीं तो बड़ी भारी भारी मोटी घास अभी डालने वाला ही, सुबह थोड़ा भूसा चोकर ही डाला था। अच्छा, हाँ जी, मैंने देखा ये सारी जो है ना। नहीं, ये जनी हुई स्लिम बॉडी है। ये जनी हुई ब्याई हुई है? हाँ जी। क्या दिया इसने? बछड़ी है जी। बछड़ी है? हाँ जी, ये जनी हुई ली है इन्होंने। तो कब की ब्याई है इसको? आज 4th दिन है जी। तो कितना दूध? 17-18 किलो खदरी है, 25 आराम से देगी फुल ब्रीड में। 25 तक देख? हाँ जी, फुल ब्रीड में है जी। कौन सी ब्याज की है ये? फर्स्ट में है जी। फर्स्ट में 4 दांत है, 6 नहीं है। नहीं नहीं, फर्स्ट में अंकल जी। अभी टाइम कैसे तुम कहते हो ऐसे ही? 4 दांत है अभी। आप मानते जी? हमने भी देखा तो सर, इनके कहने के मुताबिक और हमारा जो थोड़ा एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक सही है। क्या दाम लगाया इसका? सर इसका है 70,000। नहीं, 70,000। 70,000 जी, ये ज़्यादा नहीं लगा दिया? नहीं, बहुत अच्छी है अंकल, ऐसी बजड़ी तो लाख लाख ही बेच रहे हैं लोग जी। तो वो बेच रहे हैं ना, हाइट तो देखो जी। तुम तो कम में देते हो अंकल जी। मैंने 1,000 रुपया कह के लिया, कहता 5 गाड़ी और लेकर जाना है। इनको सामने बढ़ा दिया, सौदा आप करो। कोई ये फोन मेरा पकड़ते थे, इतनी भी फोन पकड़ा दो दलाली करेगा आगे से। मैं कहा मैं 1,000 लूंगा ही लूंगा, फोन इनको पकड़ाता था। अच्छा, हाँ जी। तो फोन पकड़ने में विश्वास नहीं था क्या? नहीं, विश्वास वैसे हंसी मजाक। अभी हम नए थे ना, तो तकरीबन जो भी इन्होंने बातें कही तो माशाल्लाह अभी तक तकरीबन सब सही निकला। तो आपको जॉब वगैरह नहीं करते क्या? जी हम जॉब नहीं करते। इनकी गाड़ियों की अंकल, टायरों की दुकान। एमकॉम किया है? जी जी। तो फिर यही खाली पैसा खर्च दिया? नहीं सर, मैं आज से 2-5 साल पहले बिजनेस में लग गया था। हाँ। तो हमारा थोड़ा एक अलग सा बिजनेस भी है, तो अब इसका शौक बन गया। तो ये किस बात का? हमारा स्टोन क्रशर है वहाँ। है जी, स्टोन क्रशर, बजरी बनाने का ना, स्टोन क्रशर। अच्छा अच्छा, और टायरों की दुकानें भी हैं? और टायर की दुकान। इसको अच्छा समझते हो? जी जी, ये तो एक हॉबी भी समझो, और हॉबी के साथ साथ। हाँ जी अंकल, तो ये तो कमजोर बहुत है अंकल। परसों बच्चा दिया फुल ब्रीड में जी, ABS की। इसके पैसे लिए हो क्या? कटी 3 दिलाई थी, 1.5 लाख की। ये तो कमजोर नहीं, नहीं कमजोर बीमार तो नहीं है? नहीं नहीं, परसों बच्चा दिया इसने। हाँ। अभी टाइम अंकल 11 बजे हैं। क्या दिया इसने? बछड़ी। बछड़ी दी है जितनी? दो बछड़ी हो गई है। 3 बछड़ी हो गई। पालक है आप? जी जी। तो ये कितना दूध देने वाली है अंकल? खदरी है 15-16 लीटर। सर हमारा 18 किलो का, 18 से 20 का हमारा अपना। तुम्हारी गारंटी कितनी है? 16 किलो की मेरी गारंटी थी इनको। हाँ। 14-15 लीटर है बछड़ी को एक थन छोड़ के। हाँ। ये बर्तन में दूध पिलाते हैं उधर बोतल में। हाँ। उस हिसाब से 20, ये 18-20 करते देंगी। अच्छा। हाँ जी, आप टाइम दे लो, 11 बजे होंगे अंकल। हाँ। सुबह 6 बजे का दूध निकाला हुआ। अच्छा अच्छा। हाँ जी, तो क्या दाम है इसका? 50,000। 50,000
50,000 दाम ज़्यादा नहीं है अंकल, तीन इकट्ठी डेढ़ की लेकर दी तो डेढ़ की दूध तो फिर 1500 लीटर बता रहे अंकल। वो बछड़ी अकेली 70-75 की है बीच में, जो फर्स्ट में दिखाई थी चार दाम, वो तीनों इकट्ठी ली है। असल में ऐसा ना, तुम्हारे पास ग्राहक ज़्यादा आने लगे तो तुमने भाव बढ़ा दिया अंकल। ऐसी वैसी तो पहले तुमने 40,000 की दी है, ये भी 52-53 का पुट्ठा बैठेगा जी इनको, फुल ब्रीड में 10,000 का फर्क पड़ गया। हाँ जी, वो थोड़ी क्रॉस में आई थी बीच में, ये ब्रीड में। असल में आप दिलवाने में तो मेहनत कम करते हो। नहीं नहीं नहीं, पूरी मेहनत जी, पूछ लो जी। कौन सी ब्याज की है ये? भी फर्स्ट में है जी। अच्छा अच्छा, इन्होंने ज़्यादातर फर्स्ट। कैसे पहुँचे आप इनके पास? सर एक्चुअली हमने आपका वीडियो देखा था। अच्छा। हम अक्सर में वहाँ में श्रीनगर में आपकी वीडियो देखता रहा, तो मैं सब्सक्राइबर भी हूँ आपका। अच्छा। तो उन सब वीडियो में से मुझे आपकी ये वाली लास्ट वाली वीडियो अच्छी लगी जो सिंह साहब के साथ थी, तो फिर मैंने इनको फ़ोन भी किया, तो मुझे लगा ठीक है आदमी बढ़िया है लेकिन झूठ बहुत बोलता है। पानी पीने जाएगा, बताएगा मैं पानी पीने जाऊँ, जाएगा दिल्ली। सर अभी तक वैसे जो बातें इन्होंने कही कि ये फर्स्ट इलेक्ट्रिशन में है, 4-5 दिन उठाएगी, सर हमारी नज़र में वैसा ही हुआ अभी। सच कह रहे हो, डर के तो नहीं कह रहे? सर नहीं डर के। इन्होंने दो ही प्यावल ली थी जी, दो प्रेग्नेंट ली, कहते कितना कितना टाइम लेगी, मैं कहा 4-4, 5-5 बराबर। दोनों ने बछड़ियाँ थी, वो दोनों ने बछड़ियाँ थी, बछड़ियाँ रख लेते। नहीं नहीं नहीं, कैसा क्यों करना, ये कौन सा मेरे पास थे, 2 दिन घूमने गए थे, मैं कहता था कि बछड़े दिए, उसका क्या फ़ायदा जी। 30 नंबर? हाँ जी। 30 लीटर दे देगी? नहीं जी। हाँ 20 आराम से चलेगी जी। फिर नंबर 30 क्यों लगाया? जैसे फार्म से टैग लगा था जी। अच्छा। हाँ जी, कौन सी ब्याज की है? ये फर्स्ट में है जी। फर्स्ट में? हाँ जी, इसके पीछे बछड़ा है जी अंकल। इसका बछड़ा ब्याह गई है? हाँ जी ब्याह। कितने दिन हो गए इसको? ये 3रा दिन है। तो कितने दूध पे है? 13-14 किलो खदर है इस टाइम। तो कितने 20 पे जाएगी? 18-20 के पक्का जाएगी? पक्का 18-20 के कम्पैक्ट ऑर्डर किया जी। हाँ। अभी 11 नहीं, वहाँ जाकर कम दिया फिर अंकल? नहीं, फिर भी ग्राहक को बचा। तुम लोग वहाँ जाकर ले जाने में हमको हिचकिचाते क्यों? क्यों नहीं दिखाते? मैंने पिछली वीडियो में कहा श्रीनगर चलो, और अब लेके चलो, सारे घुमा कर लाऊंगा अंकल आपको। घुमाना थोड़ा, गाय दिखाओ। गाय भी दिखाऊंगा जो बेची है, दिखा दूंगा जी, जब मर्जी चल लो। अच्छा सर, वो अच्छा रहता वो रिक्वेस्ट, वो ठीक है अगर आप वहाँ आते, जैसे हमने यहाँ ली, फिर 2 महीने के बाद आप वहाँ आते तो पता चलता कि उधर फार्म कैसा बनाया हुआ है। आएंगे आपको जी जी, बहुत अच्छी जगह है आने के लिए, बहुत अच्छी जगह है। अगर भगवान ने जिंदा रखा तो नहीं, जिंदा हमारी उम्र भी लग जाएगी। किताब दिखा रहे? हाँ जी। उन्नत किसान? हाँ जी। तुम भी इसमें शामिल? हाँ जी। पढ़ी है? हाँ जी पढ़ी है जी। हाँ, तुम्हारा लेखा है इसमें? हाँ जी। ये फोटो लगी है मेरी, नीचे ड्रेस होगी। अच्छा अंकल, ये आप महंगी बोतल लगा रहे हो, 200 रुपये की। 200 की नहीं, 250 की पड़ती है। हाँ जी। तो महंगी क्या है? महंगी लग रही है मुझे। ये एसी कमरे में बैठ के नहीं बनाई गई है। हाँ जी। और ना ही टेबल पे बैठ के लिखी है। अच्छा। ये जितने लोग 40 लोग हैं इसमें, सबके पास हम 2-2 बार गए होंगे। हाँ जी, हाँ जी। और कम से कम नहीं तो 50,000 किलोमीटर गाड़ी चली होगी। हाँ जी, हाँ जी। तो 3 साल का इसमें समय लगा है। हाँ जी। अब ये इतनी सस्ती तो फिर बनती नहीं है, इसकी छपाई अलग से। मुझे 2-3 ग्राहकों का फ़ोन आया ना। हाँ। कि 200 रुपये वो का अंकल है, 30-40 वो। मैं कहा जी आपके फ़ायदेमंद है, जैसे बाग में सब कुछ लिखा हुआ है, डेयरी का भी लिखा हुआ है, जब कोई गाय को नुक्स पड़े। 200 लोग दारू पी करके मूत देते हैं। हाँ जी, हाँ जी, सही बात तो है। वो इसको ये तो हमेशा पास में रहेगी। हाँ जी, हाँ जी। जो जैसे जैसे गाय को कोई दिक्कत आ जाती है, कोई प्रॉब्लम है, सारा कुछ लिखा हुआ है, सैकड़ों बीमारियों के इसमें लक्षण बताए गए, बीमारियों के इलाज। हाँ जी सर, हमारा रिक्वेस्ट था इस बुक रिलेटेड, हमारा एक रिक्वेस्ट था जी कि अगर आप इसका पब्लिकेशन इंग्लिश में करा दें, आगे से इंग्लिश, आगे से हमारा यहाँ हिंदी, आगे से इंग्लिश करवा देंगे। अभी हमें दूसरे स्टेटों से भी आया है जी, जी बेंगलोर वगैरह से है, तमिलनाडु, आंध्र, कर्नाटक से, इंग्लिश में करवा जी, जी इंग्लिश में करो। चलो 48 नंबर? हाँ जी अंकल जी। हैं? हाँ जी। परेशान लग रही है? नहीं अंकल, अभी जनी बछड़ी दी है इसने। बछड़ी दी है? हाँ जी। हाँ, कितनी देर हो गई? अभी 1 घंटा हुआ जी। ये नहीं पड़ी अभी? हाँ जी। कितनी देर में डाल देगी? पड़ जाएगी 1 घंटे तक। अगर नहीं डालेगी तो क्या करो? इंजेक्शन दे देंगे जी, 1 घंटा और देखें। फिर इंजेक्शन? हाँ जी। और कोई गर्म पानी वगैरह? गर्म पानी सब कुछ दिया जी। हाँ, अगर नहीं होगा फिर इंजेक्शन देंगे वेटामेट का जी। आप लोग वहाँ पर क्या करते हो रूपाई? सर जब ऐसा होगा तो हम पहले गर्म पानी और थोड़ा नमक डालकर ट्राई कर लेते हैं, टाइम से आ जाती है। जी जी। हाँ, इंजेक्शन का इस्तेमाल तो फिर एंड पे जाके करो। जी जी, एंड पे हम पहले देसी इलाज से कोशिश करते हैं। तो कुछ ऐसा बंदोबस्त करो कि जो अड़चने हैं दूर हो जाए, आप पशुपालक मिलकर के घेरो सरकार को। सर हमारी कौन सुनता है सर, हम तो एक कॉमन मैन है सर, हमारा कौन सुनता है? कॉमन मैन ही तो हिला देते हैं। वो तो है सर, लेकिन ये यहाँ आउटसाइड हिलाते हैं, वहाँ नहीं है, वहाँ हमको ही दब के रहना पड़ता है। वरना हमारे इस वक्त मेरे 4 दोस्त लाइन में खड़े हैं, उन्होंने मुझे परसों से इतने फ़ोन किए कि भाई हमारा कुछ जुगाड़ बनाओ,
हमने हमारी तो बिल्डिंग तैयार होगी, हम आने वाले हैं क्योंकि अब आप आए, आपने सिंह साहब का वो भी सारा कुछ देखा, अब हम डायरेक्ट हम टाइम नहीं ज़ाया करेंगे आगे पीछे, तो हम सीधा इसके पास आएंगे। लेकिन उनका भी यही परेशानी आ रहा है कि परमिशन, अब परमिशन होकर भी थोड़ा लंबा डेट मिलता है। भाई आपने पशु खरीदे हैं? ये अंकल बछड़ी बहुत ही अच्छी है जी, 20 प्लस कह के दिए, देगी 24-25 लीटर। कितने दे दी, क्या क्या दाम की है ये? ये 50 की लीजिए जी। ये भी 50 की है? 24-25 दे दी, 20 तक की है? 20 का आराम से देगी बछड़ी को छोड़ के। अच्छा, थन देखो कैसा लगा हुआ है। जो चीज देते हो ना तो मन से दिया करो, मन से इतना भी रखो, मन से जी, मन से दिए, इनको आगे जाके फल। हाँ जी, हाँ जी, हमारी शुभकामनाएं। थैंक यू जी, धन्यवाद, थैंक यू।